सो हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड बनाना सिखाने वाले हैं, यानी कि आप लोग ना अपने फ़ोटो में कुछ इस तरह से बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं, तो इनके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग को एंड तक देख लेना है, और चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इतना करने के बाद ना आप लोग को चले जाना ओरिजिनल फ़ोटो की तरफ। और ये रहा मेरा ओरिजिनल फ़ोटो, तो इस फ़ोटो को ना एडिट करके सिखाने वाले हैं। तो यहाँ से इस फ़ोटो को ना आप लोग को शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो हम लोग यहाँ से शेयर कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ से आप लोग को चले जाना मोबाइल के स्क्रीन पर, और यहाँ से ना आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ से ना आप लोग को ऑल फ़ोटो पे क्लिक कर देना है, और जिस फ़ोटो को शेयर किए थे ना उस फ़ोटो को क्लिक कर देना है। इतना करने का ना आप लोग को एक लाइटर पीसेट मिल जाएगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये वाला पीसेट मिल जाएगा आप लोग को। तो इसको यूज भी कैसे करेंगे ना अभी बता दे रहे हैं। ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और कॉपी कर लीजिएगा, इसके बाद यहाँ डन कर देना, ओरिजिनल फ़ोटो पर चले जाना है। इसके भी आप लोग को ऊपर में यहाँ 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा ना, तो 1 क्लिक में आप लोग का फ़ोटो एडिटिंग हो जाएगा। देखिए आप लोग कितना भाई लोग ना ऐसा भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 क्लिक में एडिट हो चुका है। यहाँ कुछ नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ यहाँ से इस फ़ोटो को ना शेयर कर देना है। तो हम लोग इस फ़ोटो को शेयर कर देते हैं, तो आप लोग भी इस फ़ोटो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग शेयर कर देते हैं फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हम लोग फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कर दिए हैं, उसके बाद आप लोग का ना कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में। उसके बाद आप लोग का ना इस तरह से स्कैनिंग होने लगेगा और बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। इरेज होने के बाद ना आप लोग को यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे 3 फ़ोटो आप लोग को देखने को मिलेगा ना, तो आप लोग को तीसरे वाले फ़ोटो को क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आप लोग को ना इस फ़ोटो को सेव कर लेना है, बैकग्राउंड इसका इरेज हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सेव कर लीजिएगा। ऐसे मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको इस फ़ोटो को ना शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग को इस फ़ोटो को स्केच बुक अप्लीकेशन में ना शेयर कर देना है। तो यहाँ से देखिए ऑटोडेक्स स्केच बुक में आप लोग को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद ना आप लोग को ऑटोडेक्स एप्लीकेशन में ओपन हो जाना है। तो यहाँ से हम लोग स्केच बुक अप्लीकेशन में ओपन हो चुके हैं। इतना करने के बाद हमारा फ़ोटो यहाँ आ चुका है। उसके बाद ना आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक बैकग्राउंड आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, जो बैकग्राउंड आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये वाला बैकग्राउंड को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ना इसको एडजस्ट कर लेना है अपने फ़ोटो के हिसाब से, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट आप लोग का हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद आप लोग को एक लेयर बना लेना है, यानी कि लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ऊपर वाले बैकग्राउंड को ना नीचे करिएगा, तो आप लोग का ना फ़ोटो ओपन हो जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा, बैकग्राउंड से ऊपर हो जाएगा। ऊपर होने के बाद ना आप लोग को फेस को स्मूथ पहले इसको करना है ना, तो आप लोग को ब्रश वाले आइकन पर चले जाना है, और जो ब्रश मैं बताऊँगा ना उसी ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला ब्रश को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, साइज को 27 रख लेना है, और अपने हिसाब से इसको रख लीजिएगा। उसके बाद ना कुछ इस तरह से आप लोग को लोगो दिख रहा है ना फ़ोटो रूम का, तो इसको इरेज करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ से पहले फ़ोटो पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद ना इसको इस पर अप्लाई करिएगा, देखिए कुछ इस तरह से। तो आप लोग का ना इस तरह से आप लोग अगर हल्का हल्का मिटा दीजिएगा ना, तो आप लोग का लगने लगेगा कि घास के पीछे आप लोग का फ़ोटो है। देखिए यहाँ से कितना कमाल का लग रहा है। तो आप लोग ने इस तरह से करके ना अपने फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो का ना हल्का इरेज कर दीजिएगा, तो आप लोग के ना घास के पीछे लगने लगेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ना आप लोग को फिर से ना आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग को ना एक घास वाला PNG को ऐड कर लेना है। तो हम लोग चले जाते हैं, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। ये वाला ना आप लोग को घास वाला PNG भी मिल जाएगा, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से ना हम लोग ये वाला घास वाला PNG को ले आते हैं, एंड इसको ना अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा जूम करके एडजस्ट करिएगा ना, तो आप लोग का ना खतरनाक लगेगा।
ऐसा देखिए यहाँ से हल्का ज़्यादा जूम करिएगा, उसके बाद एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, एडजस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ डन कर देना आप लोग को। और उसके बाद ना आप लोग को कलर को मिला लेना है ग्रीन कलर यानी कि हरा, तो आप लोग को ना लेयर पे क्लिक करना है, घास वाले लेयर पे क्लिक करके आप लोग को ऊपर ना कलर को सेलेक्ट करके यहाँ से आप लोग को ना हरा रख लेना है और लाइट हल्का बढ़ा देना। देखिए यहाँ से नीचे वाला को आप लोग को हल्का बढ़ा देना। देखिए आप लोग का बैकग्राउंड के हिसाब से मिल चुका है ना। इतना करने के बाद आप लोग को फेस को स्मूथ करना है, तो आप लोग को ना फिर से यहाँ से ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करना है और जो ब्रश मैं बताऊँगा ना उसी ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग को ना थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है, ऊपर में आप लोग को ब्रश मिलेगा। देखिए यहाँ से आप लोग को दिखा दे रहे हैं, तो आप लोग को ना ये वाला आप लोग को ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है और साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है, फूलों को फोर रख लेना है। उतना करने के बाद ना आप लोग को उसके बाद फ़ोटो को जूम कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आप लोग ज़्यादा जूम करके स्मूथ करिएगा ना तो ख़तरनाक स्मूथ होगा। उसके बाद ना कुछ इस तरह से करिएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, आप लोग को लेयर पे क्लिक करना है और फोटो पे क्लिक कर देना है, इसके बाद आप लोग का फेस स्मूथ होगा। देखिए कुछ इस तरह से आप लोग ना फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। न्यू ट्रिक है ये वाला फेस स्मूथ, ना आप लोग को कोई नहीं बताएगा ये वाला ब्रश, आप लोग ना इस ब्रश से ना ख़तरनाक फेस स्मूथ कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को वीडियो को स्पीड कर देते हैं ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लो फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को स्पीड कर दिए हैं, फेस स्मूथ करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। इतना करने के बाद ना आप लोग फुल फेस स्मूथ कर लीजिएगा। तो एक और न्यू ट्रिक है, वो ट्रिक है कि आप लोग को ना फेस को बहुत ही ज़्यादा लाइट में कैसे ला सकते हैं वन क्लिक में। तो आप लोग को पहले फेस को अपने हिसाब से स्मूथ कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप लोग को बता देंगे कि कैसे आप लोग ना वन क्लिक में आप लोग फेस पे बहुत ही ज़्यादा लाइट ला सकते हैं किस तरह से। तो आप लोग को ना कुछ इस तरह से करके अपने फेस को स्मूथ कर लेना है आराम आराम से आप लोग, लेकिन कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे यहाँ से हैंड स्मूथ हो रहा है, हैंड होने के बाद ना आप लोग को बता देंगे कि किस तरह से आप लोग लाइट दे सकते हैं। देखिए हमारा फेस स्मूथ हो चुका है, उसके बाद यहाँ से आप लोग को एक लेयर बना लेना है। तो लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ना और लेयर पे क्लिक करके आप लोग को नॉर्मल पे क्लिक करना है और सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ना आप लोग को ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करना है, जो ब्रश बताऊँगा ना उसी ब्रश को सेलेक्ट करिएगा। तो ये वाला ब्रश को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से देखिए इसको अपने हिसाब से रख लीजिएगा और उसको ना फोटो को आप लोग को जूम कर देना है। उसके बाद ना साइज़ को हल्का छोटा रख लेना है और उसको आप लोग ना अप्लाई करिएगा ना अपने फेस पे। तो देखिए कितना ख़तरनाक से आप लोग का फेस ना बहुत ही ज़्यादा लाइट में आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोग ना फुल फेस पे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा ना तो कमाल का फ़ोटो लगने लगेगा आप लोग का ना। देखिए कितना ज़्यादा लाइट आ चुका है, अपने हिसाब से आप लोग भी एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना ख़तरनाक ट्रिक बता दिए आप लोग को ना, ये ट्रिक कोई नहीं यूट्यूब पर बताएगा। आप लोग ना यही को यही स्टेप को आप लोग फॉलो करिएगा तो आप लोग का ना 100% वर्क करेगा। कुछ इस टाइप से आप लोग ना एडिटिंग कर सकते हो एंड बैकग्राउंड भी बना सकते हो। तो ये फेस पे कितना ज़्यादा लाइट आ चुका है और ना अपने हिसाब से यानी कि अपने फ़ोटो के हिसाब से भी रख सकते हैं ना। तो आप लोग को अभी दिखा दे रहे हैं, अपने कम करके अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद ना इसको ना आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिए अपने फ़ोटो के हिसाब से। देखिए तो इतना हम रख लिए हैं, ये कितना कमाल का फोटो एडिटिंग हो चुका है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।